देश गौरव से कहने लगा, भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों बड़ों के हाथ काले हो चुके थे। आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है, अब भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग करके बड़े बड़े बैंक घोटाले किए जा रहे थे। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा, प्रामाणिकता की, और उसी का परिणाम है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। आज भारत की बैंक सर्वाधिक मुनाफा करने वाली बैंक बन गई और लोगों की सेवा करने के लिए। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। आज आदरणीय सभापति जी, देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370, इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने